तपोवन संस्कृत पाठशाला आयोजित जीवन के लिए कुछ रहस्यपूर्ण बातें। रसोई मंदिर में जो पकाया जाता है वह देह मंदिर में प्रवेश पाता है। उसमें से मन मंदिर का निर्माण होता है। मन के सहारे ही जीवन मंदिर का सृजन होता है। आपके रसोई मंदिर को पवित्र रखने के लिए हरेक श्रावक श्राविकाओं को इतना करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, पानी, घी, तेल, दूध, छाछ छानकर इस्तेमाल कीजिए। पॉइंट नंबर 2, आटा छानकर व अनाज साफ करके इस्तेमाल कीजिए। पॉइंट नंबर 3, खाकरे, पापड़ आदि फरसाण घर पर बनाइए। पॉइंट नंबर 4, बाजार का मैदा, आटा, मावा व पनीर इस्तेमाल न करें। पॉइंट नंबर 5, जूठे बर्तन देर तक न रखें। पॉइंट नंबर 6, सब्जी सुधारते समय जीव जंतु निकले तो यत्नपूर्वक उसे साइड में रखें। पॉइंट नंबर 7, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल न करें, घी की तरह पानी का उपयोग करें। पॉइंट नंबर 8, एमसी के दौरान रसोई मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, रसोई मंदिर में जितने भी पानी के नल है उस पर गरना लगवाइए। पॉइंट नंबर 10, रसोई मंदिर में बर्तन धोने के लिए जो कुंडी है उसको कपड़े से पोंछना चाहिए जिससे उसमें लील जमा न होवे। पॉइंट नंबर 11, हर एक सब्जी को सुधारते समय उसे पानी में धोने के बाद ही सीजने के लिए रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 12, हर एक कठोल को बनाने से पहले बराबर साफ करना चाहिए क्योंकि उसमें धान्य कीट और ईयल होती है। कठोल को पानी में डालने से वे मर जाते हैं। पॉइंट नंबर 13, कोई भी बाहर की आइटम का उपयोग न करें। अगर उपयोग करना ही पड़े तो उस पर छपी हुई डेट अवश्य देखें। पॉइंट नंबर 14, स्टव, गैस आदि सुलगाने से पूर्व जीव जंतु का निरीक्षण ठीक से कीजिए और पुंजनी से बराबर पुंज लेवे। इसे याद रखने के लिए बराबर गैस के ऊपर की दीवार पर स्टिकर लगाए। पॉइंट नंबर 15, महाराज साहब गोचरी बोरने के लिए घर पे पधारे तब हमारे घर में वस्तु होते हुए भी विनंती करना भूल जाते हैं, इसलिए उन चीज़ों का एक बोर्ड बनाकर रसोई मंदिर की दीवार पर लगाना चाहिए। तो चलो रसोई मंदिर से जीवन मंदिर की सृजन यात्रा शुरू करते हैं।